नमस्कार किसान साथियों, न्यूज एग्रीकल्चर पे आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे यहाँ पर स्वच्छ दवाई, हमने यहाँ पर डलवाई है स्वच्छ सवाल कंपनी की, तो उसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। आगे आ जाओ जी, घास दिखाओ इस खेत में आपने जो इस तो अंकल जी आपको इस दवाई का कैसा रिजल्ट लगे जी आपको? आगे आ जाओ, आगे एक मिनट। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भैया। तो आपके गांव में हमने ये डलवाया था, तो आपका नाम परिचय बताओ। कुलदीप नाम है भाई, बाटला गांव है जी, तहसीला सी जिला हिसार। अच्छा जी, 30 तारीख को मैंने लगाई थी, ये ट्रांसप्लांट किया था। अगले दिन ये दवाई डाली थी, रिजल्ट देखो एक भी घास का पौधा नहीं है। तो जी आप जो हमारे किसान साथी आपको देख रहे हैं न्यूज एग्रीकल्चर पे, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे? बहुत बढ़िया दवाई है भाई, इसको यूज करके देखो। तो ये कैसे डाली थी आपने इसको? ये 5 किलो यूरिया में मिक्स करके साठ लगाई थी। अच्छा, बहुत। तो इसके अंदर आपने पानी पूनी कितना रखा, कैसे रखा, उसके बारे में थोड़ी सी किसानों को जानकारी दे दो आपके माध्यम से, उनको सभी को पता लगेगा। पानी यह डालने के बाद 72 घंटे पानी रखना पड़ा है, उसके बाद नमी में भी काम करेगी। तो अभी आपको इसके अंदर कोई भी घास नहीं नजर आ रहा और अभी नमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। 72 घंटे के बाद बिल्कुल नमी रह जाओ, बढ़िया रिजल्ट है। तो जी अंकल जी आप बताओ आपको कैसा लगे रिजल्ट? और आपकी इन अंकल की भाई प्योद खराब हो रखी थी, तो आपकी प्योद कैसी थी? मेरी प्योद जी जमा आती डाली थी, आपको जो बेड़ा गिरते है थे, मेरी प्योद एकदम उठ गई थी। अच्छा, तो जी आप बताओ जी आपको कैसा लगा जिसका रिजल्ट दवाई का? बढ़िया लगा। तो भाई साहब आपको कैसा लगा रिजल्ट? तो आप इसको यूज करोगे? किसानों को क्या जानकारी देना चाहोगे कि भाई इस दवाई को? देखो मैं कहने का मतलब ना अपने चैनल के ऊपर, हाँ तो हमारा कहने का मतलब वीडियो बनाने का मतलब वो नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक अच्छी दवाई मिले और आप उसको कम पैसे में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी साथी कहते हैं कि हम इतने साल से खेती करते, कितने साल से खेती करते हो आप? फिर भी आइडिया अंकल जी आप? 32 साल हो गए खेती करते हैं। तो सीरी के साथ में खेती करिया करते हैं। अच्छा, तो फिर आज हम जो आपके फार्म पे आए और यहाँ पर दवाई का रिजल्ट दिखाया, तो कुछ आपको अलग लगा? 32 साल में कुछ अलग देखने को मिला? कुल लगा है जी। तो भाई अंकल जी को भी अच्छा लगा, और ये भाई है अपने, इन्होंने अपने खेत में डाली थी, तो 30 तारीख को इन्होंने ट्रांसप्लांटिंग किया था। तो अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर भाई, कोई किसी तरीके का नदीन यहाँ पर या आप देख पा रहे हो, कोई घास नहीं है और साथ में यहाँ पर फुटार भी आपको दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ये देख सकते हो भाई, ये देखो भाई, ये देख सकते हो भाई, ये आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ ये दवाई नमी में काम करती है भाई, यहाँ पर कोई घास नहीं है, एक भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप जल्दी जल्दी से न्यूज एग्रीकल्चर पे नए हो तो आप जुड़ सकते हो और वीडियो को शेयर कर दो। ये देख सकते हो भाई, ये दवाई 30 तारीख को यहाँ पर डली थी, तो आप इसके अंदर फूट देख सकते हो। सिर्फ ये आज तारीख हो चुकी है 12 और ये 13 दिन के आसपास में ये हो चुके हैं प्लांट। तो यहाँ पर एक बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिला भाई, ये देख सकते हो भाई। तो मेरे जितने भी साथी हैं ना न्यूज एग्रीकल्चर पे हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर करें और न्यूज एग्रीकल्चर पे नए हैं तो उसको फॉलो कर लें और जल्दी जल्दी से हमारे साथ में जुड़ें और एक एक अच्छे से अच्छी टेक्निकल के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। अभी आपको इतने सारे किसानों से मिलवाया और एग्रेसिव फार्मर है, काफ़ी साथी कह रहे थे हम 40 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं। आप अंकल से बात कराई, अंकल 32 साल में उन्होंने पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट देखा है, ये मेरे पीछे देख सकते हो पूरी ग्रीनरी है धान के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें और फीडबैक आपका रहेगा, कैसा आप दे सकते हो हमें तो वैसा आप दे सकते हो। धन्यवाद।